इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइकेट्री की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भारत में हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक तनाव से ग्रस्त है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी बहुत कुछ। आप अखबार पढ़ते होंगे और न्यूज चैनल देखते होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि छात्रों की आत्महत्या में बढ़ोतरी कितनी तेजी से हुई है। कुछ दिनों पहले कोटा में छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा न्यूज चैनल्स पे बहुत तेजी से उठा था, लेकिन उसके बाद फिर एक नया मुद्दा आया और सब भूल गए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 14% बच्चे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। तो आज के बीइंग कैंडिड के एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स से रूबरू होने जा रहे हैं जिसने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने कई दोस्तों को डिप्रेस देखा, अपने कई रिलेटिव्स को अलग अलग तरीके से डिप्रेशन में जाते हुए देखा। अमूमन जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो इन सारी बातों को इग्नोर करते हैं, डिप्रेशन का डी भी हमें कहां पता होता है, लेकिन उस युवक को ये सारी बातें अंदर ही अंदर चुभती थी और उसने तब से इस पर रिसर्च शुरू किया कि लोग इतने परेशान क्यों हैं, लोग इतना टेंशन में क्यों हैं, लोग आत्महत्या करते क्यों हैं, और उसके बाद उसने इसी को अपना करियर चुना। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह से जो मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर मुद्दे पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को इलाज और काउंसलिंग दे रहे हैं, और किताबी ज्ञान की बदौलत नहीं बल्कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने अनुभव की बदौलत। तो उनके जीवन के पन्नों को टटोलेंगे और जानेंगे कि देश में तेजी से बढ़ रहे मेंटल हेल्थ मामलों पे चेतना जरूरी क्यों है और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम मिलते हैं बीइंग कैंडिडेट के अपने आज के गेस्ट डॉक्टर राघवेंद्र सिंह से। मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो सबसे पहले मैं मेंटल हेल्थ की कोई बात करूं, उससे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं ये मेंटल हेल्थ की तरफ आप कैसे आ गए, जबकि जब आप स्टूडेंट होंगे मुझे नहीं लगता मेंटल हेल्थ के बारे में कोई जानता भी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सागर कि जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे डॉक्टर बनना था, जो पहला मेरा जो करियर था कि जो बचपन में जो होता है ना कि क्या एम्बिशन था, तो मैं भी बाकी लोगों की तरह आईएएस पीसीएस के ख्वाब देखता था और कुछ मूवीज में जो ख्वाब थे वो मूवीज के थ्रू या फिर पावर को देख के जनरेट होते थे। फिर बाद में जब हमने स्ट्रीम चेंज की मैथ्स और बायो को लेकर, तब मुझे बायो थोड़ा सा आकर्षित की, फिर मुझे लगा कि डॉक्टर मेरे लिए सही है। लेकिन ये आपने सागर जी बिल्कुल सही बात की, मैं डॉक्टर को तो जानता था लेकिन किसी मानसिक विकार को सही करने के लिए भी डॉक्टर होता है वो मैं नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने पढ़ाई करना शुरू की तो मुझे सब में सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगी कि आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मानसिक विकार एक ऐसी चीज थी जहां पे लोगों का ध्यान बहुत कम गया था और उसका जो दायरा था वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर रिसर्च की मुझे ऐसा लगा कि कमी है, एक ऑब्जर्वेशन की कमी लगी मुझे इंडियन सिनेरियो में। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस फील्ड में गया तो मुझे इंडियन साइंटिस्ट की बहुत कमी लगी कि वो मेंटल हेल्थ पर रिसर्च की जाए। जो भी हम रिसर्च फॉलो करते हैं वो सब फॉरेनर की फॉलो करते हैं, कुछ हैं इंडियंस पायनियर जो रहे हैं, अब और ज्यादा बढ़ रहा है। तो शुरुआत से ही मुझे रिसर्च करने का बड़ा शौक था, नई नई चीजों को जानने का बड़ा शौक था। तो इस वजह से फिर मेरा ध्यान गया कि ये मानसिक विकार जो है मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट कर सकता हूँ किताबी ज्ञान के अलावा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये प्रोफेशन भले ही बड़ा कठिनाइयों भरा है लेकिन फिर भी इसको बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ और लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो क्या स्टूडेंट लाइफ में कभी आप डिप्रेस हुए? बिल्कुल, एक वाक्य ऐसा रहा स्टूडेंट लाइफ में जिसने बहुत बड़ी वो घटना थी कि मैं आज इस जगह पर बैठा हूँ। मेरी 11वीं में कुछ तबीयत खराब हो गई, 10वीं में कुछ मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आए थे, मतलब काफी अच्छा बढ़िया स्टूडेंट था और मुझे लगा कि जिस तरीके से मैंने 10वीं में स्कोर किया है उसी तरीके से मैं 11th में भी स्कोर करूंगा। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि 10वीं का जो सिलेबस है वो 11वीं के सिलेबस से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है जिसकी वजह से कह सकते हैं मैं घबरा गया। अब मैं कह सकता हूँ घबराने के साथ साथ जब मैंने देखा कि 10वीं में चीजें बहुत अच्छी चल रही थी मेरे साथ और ये लग रहा था कि मैं फिर से 90s में स्कोर करूंगा, लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा हो नहीं पाया।
और इसी एवज में सागर जी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी ली थी, सारे सब्जेक्ट। मुझे लगा कि जिस तरीके से दसवीं में सब्जेक्ट होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी होंगे, तो मैंने पीसीएम बी ले ली। और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पीसीएम बी लेते हैं। सही बात है, एटम बम भी एक साथ और देसी। बिल्कुल सही सागर जी, तो यही कारण रहा। उसके बाद जब मैंने सिलेबस देखा तो वहां पे मुझे लगा कि बड़ा ही डिफरेंस है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक सिलेबस में भी बड़ी इनइक्वालिटी है। अगर आप दसवीं के सिलेबस को देखेंगे और ग्यारहवीं के सिलेबस को देखेंगे, उसमें बहुत बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से हम लोग आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स के डिप्रेशन को लेकर, मैं आपको बताऊंगा कुछ। तो एक उस इलेवेंथ क्लास में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, इतना परेशान होने लगा कि मेरे ग्रेड्स वगैरह बहुत कम होते चले गए। फिर मेरे पिताजी ने किसी डॉक्टर को दिखाया, तो पिताजी ने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है, और मुश्किल से 10-12 मिनट में मुझे इलाज लिख के दे दिया, मुझे गोलियां दे दी, खर्रा दे दिया दवाई का। बिल्कुल सही बात है, वो उनके लिए बहुत सही था, ऐसा नहीं है कि उनकी दवाइयों से ही फिर मैं आगे सही हो पाया। मैं इस बारे में मैं आगे सवाल पूछूंगा कि दवाई के खर्रों से भी लोग डरते हैं जी। उसके बाद फिर मेरी कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने जो रूटीन टेस्ट थे वो कराए, उसमें सब कुछ नॉर्मल था, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मली, अमूमन जितनी भी चीजें होती हैं मानसिक विकार में वो नॉर्मली ही आती हैं, ज्यादातर लोगों की, ऐसा नहीं सभी लोगों की, लेकिन ज्यादातर लोगों की नॉर्मल आती हैं। फिर मैंने दवाइयां खाई जिसकी वजह से मेरा 11th क्लास बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया। फिर मेरे अंदर और थोड़ी सी ऐसी ललक जागी जब मैं अपने सारी चीजों को समझने लगा कि क्या होती हैं चीजें, किस तरीके से हैंडल करनी होती हैं, तब मैंने विचार और बनाया कि नहीं अब मुझे इसी फील्ड में जाना है। और जो एक कमी है, एक वॉइड कह सकते हैं, एक खालीपन है सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कई सारे मेंटल हेल्थ वर्कर्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग डिप्रेस्ड हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जो आपने अभी आंकड़े बताए, इसमें मैं आपको एक आंकड़ा और बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, सरकार बहुत लंबे लंबे वादे करती है जीएसटी से लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर। आपको जानकर हैरानी होगी और लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर हम लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हम इंडिया जहां पे खड़े हैं वो अंडर डेवलप, जो डेवलपिंग से भी गए गुजरे हैं वहां पर है, उसका नाम होता है हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो सागर जी हमारा जो नंबर है वो शायद, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, 134 या 136। सागर जी हम लोग पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान हमसे आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। आउट ऑफ द 146 कंट्रीज जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वो 146 कंट्रीज में हम लोग 136 नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं एक कमी मुझे नजर आती है कि सब कुछ है हमारे पास लेकिन फिर भी एक जगह खाली है जहां पर मैं काम कर सकता हूं और सोसाइटी को कुछ दे सकता। लगता है कि हैप्पीनेस को लोग इकोनॉमिक आपकी प्रोस्पेरिटी से जोड़ते हैं कि शायद जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो खुश होगा। मैंने पैसे नहीं कमाए, मेरा दोस्त लंदन चला गया, उसने एरोप्लेन ले लिया, उसने क्रेटा ले ली, उसने मर्सिडीज ले ली, बहुत सारे लोग, क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि? देखिए जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं थोड़े से नए आया हूं, उसे सोचता हूं सागर, इसको उल्टा कर दीजिए। अगर आप खुश रहेंगे, हैप्पीनेस रहेंगे तो पैसा आप कमा ही लेंगे। जितने भी लोग हैं जो खुश रहते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी सक्सेस स्टोरी ज्यादा अच्छी रही है, बजाय जो डिप्रेस्ड रहते हैं। कई सारे जो मैं खुद ही नोटिस करता हूं ना, हमेशा बड़ा कंप्लेन करते हैं लोग। बात क्या करते हैं, सबसे पहले जी जान से एक जॉब हासिल करते हैं, हासिल करने के बाद वो वहां पर बोर होने लगते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यार यहाँ पे मजा नहीं आता, उदासीनता आ जाती है। लेकिन वो एक चीज को भूल जाते हैं कि जहां पर वो आज हैं उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। अगर वो उस फेज को याद कर लें कि यहां तक मैं कैसे पहुंचा, तो फिर से एक नई उमंग, नई तरंग आ जाएगी। हालांकि सभी जॉब में थोड़ा सा ऊपर नीचे तो है ही। तो बिल्कुल सही बात है, हैप्पीनेस है तो आपकी ग्रोथ भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस सिर्फ पैसे वालों तक सीमित है। आपके पास जो लोग आते हैं आपसे काउंसलिंग लेने, इलाज लेने, तो उसमें सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ इशू इस समय क्या देखने को मिल रहा है आपको? सबसे ज्यादा अगर मैं क्रमबद्ध तरीके से बोलूं तो सबसे ज्यादा मुझे डिप्रेशन, दूसरे नंबर पर रिलेशनशिप इश्यूज, अब रिलेशनशिप इश्यूज में डिप्रेशन भी आ सकता है, और तीसरे नंबर पर चिड़चिड़ापन या गुस्सा, मैं दोनों को एक ही साथ रखता हूँ। जनरली गुस्सा लोगों में बढ़ गया है, गर्म देश हो गया है अपना। बिल्कुल गर्म देश हो गया है, बिल्कुल सागर जी।
और चौथे नंबर पे मैं कहूंगा एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, लोगों को एंजाइटी होने लगती है मोस्टली जब एग्जाम देते टाइम वगैरह और स्टेज पे चढ़ने पर जो हमें फीलिंग होती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ज्यादातर जो एक कॉमन समस्या मुझे देखने को मिल रही है। बाकी फिर ये है क्लिनिकल समस्याएं ओसीडी और सिज़ोफ्रेनिया, वो अलग दायरा हो जाता है, तो उस पर वो भी है लेकिन वो एक लिमिटेड है, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, किस एज ग्रुप्स के लोग सबसे ज्यादा आते हैं? बहुत वेरिएबल है एज ग्रुप। मेरा फील्ड चूज करने का एक यही एक और मकसद था कि मतलब हर एक वर्ग के लोगों से मैं मिला हूं अभी तक इतने साल की प्रैक्टिस में। अगर आप कहेंगे कि क्राइटेरिया कि कौन सा वर्ग ज्यादा है, तो वो वर्ग मैं कहूंगा कि 18 से लेके 28 साल तक का वर्ग एक ज्यादा है, और एक 32 साल से लेके 37 साल का एज ग्रुप में कहूंगा कि मतलब देश का भविष्य सबसे ज्यादा डिप्रेस है। अच्छा, आपने अभी बताया कि रिलेशनशिप इश्यूज के बहुत सारे केस आपके पास आते हैं। मैं भी इंटरनेट देखता रहता हूँ, उसमें देखता हूँ दिल टूटा, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, यहाँ गिरा वहां गिरा, और मुझे भी शायरी बहुत पसंद है, ऐसी ऐसी क्या कैसी भी। रिलेशनशिप इश्यूज अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मैं देखता हूँ कि डिवोर्स के केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं और लोगों में आपसी मतभेद, रोज अखबार पढ़ो आपको दो चार खबरें ऐसी देखने को मिलती है। क्या रूट कॉज है आपके हिसाब से, आपने एनालाइज किया होगा इतने पेशेंट्स के साथ? सागर जी, मैं आपको बताऊं, जो रिलेशनशिप इश्यूज के लेकर आपने जो सवाल पूछा, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि ये कौन से वर्ग में सबसे ज्यादा है। तो इसको मैंने अपने पर्सनल तौर पर दो भागों में बांटा है। एक है 18-19 साल, जब बच्चा अडल्टहुड में पहली बार प्यार की पौध दिल में जब पनपती है, उसका कारण ये होता है कि जब वो अडल्टहुड में पैर रख रहा होता है तो हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन मेनली और महिलाओं में लड़कियों में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल्स बढ़ना शुरू होता है। तो जहाँ पे अरे बिल्कुल बहुत अच्छा ज्ञान है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आकर्षण होना शुरू होता है, पहली पहली बार चीजों को पता चल रहा होता है। तो एक रिलेशनशिप इश्यूज मुझे उस वर्ग में ज्यादा दिखाई दिए, और एक मुझे दिखाई देने लगे हैं अब शादी के, एक तो तुरंत बाद शादी हुई और 6 महीने के अंदर वो लोग मेरे यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, और एक शादी के कम से कम 15-20 साल बाद ऐसा भी वर्ग आता है। 20 साल की शादी के बाद, 30 साल की शादी के बाद भी है मेरे पास। तो अब आते हैं आपके सवाल पर कि क्या मेन कारण है। सबसे ज्यादा मेन कारण ये है दोनों ही वर्गों में मेन जो कारण है वो है आपसी ना समझी। आजकल हम एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते और बैठ के बात ही नहीं करना चाहते। मैंने देखा है कि इतनी छोटी छोटी चीजों पर लड़ाइयां होना शुरू हो गई हैं, लोगों की सहनशीलता इतनी खत्म हो गई है कि अगर आपने कुछ भी एक गलत आयाम से भी बोल दिया तो वो उनके दिमाग में एक स्टक हो जाती है कि उंगली कैसे दिखाई, जोर से कैसे बात कर ली। इसका एक और कारण है कि हम लोग अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जिस तरीके का भी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में हम बैठ के बात ही नहीं करते। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो हम लोग उस पर लड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर अगर आप इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी हैं तो आप लड़ेंगे नहीं, आप उस चीज़ को अपने मन के अंदर दबा लेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप दबाते चलेंगे और एकदम जब आप ब्लास्ट करेंगे तब दूसरे वाले पार्टनर को ये लगेगा कि आपने इतनी पुरानी बातें सजी हुई थी अपने दिमाग में। तो एक रिलेशनशिप खराब होने का एक मेन बहुत कारण ये है। दूसरा, शादी के बाद जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ और उनके पेरेंट्स के बीच में एक कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सागर, जिस तरीके से लड़की अपने पेरेंट्स और लड़के के पेरेंट्स के बीच में एक इक्वेशन बिठाने की जो कोशिश हो रही है वो नहीं बैठ पाती। सेम मैं लड़के के लिए बोलूंगा, दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि किसी एक की दिक्कत है, दोनों तरफ से है। इसका भी मुख्यतः कारण क्या है कि लोगों के बीच में खुलकर बैठकर बात ही नहीं होना। अगर आप खुल के बात कर लेते हैं सामने कि हमें ये चीज पसंद है, ये चीज ना पसंद है, और हमें ये करने से दिक्कत होती है आपके, आपको सिर्फ यही बोलना है, तो आप मेरे जैसे डॉक्टर के पास आने के लिए बच जाएंगे। मतलब संवादहीनता एक बड़ा कारण है बहुत ज्यादा। और अगर रिलेशनशिप में इशू अगर
है किसी को और आपके माध्यम से कोई उसे देख रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर थोड़ी सी अनबन है आप लोगों के बीच में, आप डेली एक सिंपल एक एक्सरसाइज करना शुरू करिए। आधा घंटा अपने पार्टनर के लिए निकालिए, आधा घंटा भी नहीं, 10 से लेकर 15 मिनट अपने पार्टनर के लिए निकालिए, अपने फोन को साइड में रखकर सिर्फ उससे बात करिए, सिर्फ उससे बात करिए, और आप देखेंगे आपके बहुत सारी जीवन की सारी समस्या रिलेशनशिप को लेकर सुलझती हुई दिखाई देंगी। ये तो रही रिलेशनशिप की बात, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने अभी लैंसेट रिपोर्ट का जिक्र किया था, उस लैंसेट रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि भारत की 40% संपत्ति पर केवल 1% टॉप के लोगों का राज है, बाकी के लोग जो है 99% लोग 60% संपत्ति पे सिमटे हुए हैं। इस पे एक हमने वीडियो भी बनाया है, आप जरूर देखिएगा यूट्यूब चैनल पर, मैं लिंक अलग से दे दूंगा। तो आपके अनुसार, क्योंकि लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लोगों की चाह बहुत ज्यादा है और उनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कई जगह सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट करते हैं और रिलेशनशिप इश्यूज भी इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, जब इकोनॉमी आपकी प्रॉपर, कहते हैं जब अर्थ प्रॉपर नहीं चल रहा हो तो बाकी सारी चीजें समस्या में होती है। बिल्कुल सही सागर जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल बहुत सारी चीजें जो रिलेशनशिप से लेकर मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों की आर्थिक स्थिति मुझे लगता है कि धीरे धीरे डाउन हो रही है। अब उस डाउन होने के कारण लोगों के अंदर टेंशन तनाव बढ़ता हुआ बहुत जा रहा है। अब इसका कारण भी यही है कि लोगों की जो कमाने की कैपेसिटी है वो तो ठीक है, लेकिन लोग बाग सच बताऊं तो अपने जो उनका पैशन है, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें है ही नहीं। जैसे आपने बोला कि 1% के वर्गों के पास बहुत पैसा है, लेकिन हमारी जो प्राइमरी कंसर्न है वो हो जाती है सबसे पहले कमाना। एज अ पेरेंट्स अगर हम लोग बात करें तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भैया जो तुम्हें पसंद है, अगर वो थोड़ा सा अलग फील्ड है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर या आईएएस पीसीएस से अलग फील्ड है, तो उसको बाद में करना, सबसे पहले एक जॉब सिक्योरिटी करना, बाद में खेलना क्रिकेट, बाद में खेलना, अलग बात है क्रिकेट खेल के कोई विराट कोहली भी बन जाता है। तो अब क्या होता है कि उस भीड़ चाल में सब लोग लगे हुए हैं कि सबसे पहले कमाने के लिए कमा, अब वही चीजें होती हैं जब आपका सिर्फ, आपने प्राइमरीली फोकस कर लिया सागर जी कि आप सिर्फ कमाने पर ध्यान देंगे, सबसे पहले अपनी जीविका उसको अच्छा करेंगे, उसके बाद फिर अपना पैशन फॉलो करेंगे, लेकिन 99% केस में ऐसा हो ही नहीं पाता। तो जब अपने जब वो फील्ड इंटरेस्ट का है ही नहीं उनका, तो फिर उस पर वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और जब फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, तो अपने काम में वैसे भी बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डाउन होगी। सबसे पहले ये चिन्ह कौन से होते हैं, साइंस क्या होते हैं कि सामने वाला डिप्रेस्ड है, इसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है, ये एंग्जाइटी में है, ये उसके आसपास के लोगों को, दोस्तों को, परिवार वालों को कैसे पता लगे, सबसे पहला साइन ऐसा क्या आपको लगता है जिससे पता लगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बेहद जरूरी है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सबसे पहले हम लोगों की लाइफ में एक नॉर्मल चीज है, सबसे पहले नॉर्मल चीज है कि ये सबको होती ही होती है, लेकिन कुछ लोग इससे बाहर निकल आते हैं। अब कब हम पहचाने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कोई भी मानसिक समस्या रहे, तो जो सबसे पहले तो आदमी को खुद ही पता चलता है कि मैं कहीं ना कहीं पहले जैसा नहीं रहा। तो जैसे उसका जो इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए किसी को गाने सुनने का इंटरेस्ट है या डांस करने का, कुछ उसे ये है कि मैं डेली ये करता ही करता हूँ, कुछ लोग को जिम जाने का शौक है, तो सबसे पहले जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है तो वो सबसे पहले टाइम निकालते ही निकालते हैं इन चीज़ों के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके लिए आतुर होते हैं कि नहीं मुझे आज डांस करना है या गाना गाना है। लेकिन जब ये इंटरेस्ट आपका छूटने लगे कि इसमें आपको मन नहीं कर रहा, आपका डांस करने का मन नहीं कर रहा, आपका लिखने का मन नहीं कर रहा, जैसे आपको पढ़ने का शौक है, शायरी करने का शौक है, तो आप अपना शायरी करना छोड़ दें, तो आप समझ जाइएगा आप कहीं ना कहीं किसी मानसिक समस्या से ग्रसित हैं। हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि जैसे आप अपने काम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग है ना, लेकिन आपके पास फ्री टाइम है लेकिन फिर भी आप अपने चीजों को नहीं करना चाहते, तो एक ये सबसे पहले खुद के लिए एक सेल्फ एनालिसिस टूल मैंने आपको बताया कि आप जो चाहते हैं उसमें ही आपका मन ना लगे तो आप कह सकते हैं कि आपको कोई ना कोई मानसिक समस्या है। दूसरी चीज कि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर चीजें अच्छी ना कर रहे हैं, पहले बहुत अच्छी करते थे लेकिन आपसे छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, आपको लिखने में कोई समस्या हो रही है या फिर आप चीजों को भूलने लगे हैं, और ऐसा कभी कभी नहीं, ऐसा हर बार हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर उन चीजों को
एक ढंग से लिया जाना चाहिए और उस पर सोच विचार करनी चाहिए। आसपास के लोग कैसे पहचाने कि ये आदमी डिप्रेस्ड है? तो देखिए, सबसे पहले कई लोग तो ऐसे हैं कि लोग मुखौटा पहने हुए हैं, तो मुखौटा पहने हुए हैं तो आप उनको जज ही नहीं कर पाएंगे। कई कई बार मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि लोग पहले बहुत खुश थे और आधे घंटे बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी चीजों को तो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतनी लाइफ में आइसोलेटेड हो गए हैं, हम अपनी चीजों को इतना अंदर रखते हैं कि नहीं पहचान पाते। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर जो नॉर्मल बिहेवियर से चेंज होने लगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिविटी। अगर कोई व्यक्ति हर बात पे आपका कटाक्ष करने लगे, कुछ लोगों की तो खैर आदत होती है कटाक्ष करने की, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कटाक्ष करने लगे कि ये पेन रखा हुआ है तो ये पेन क्यों रखा हुआ है, ये पेन बेकार है, या फिर कोई भी आपने अपना एक पर्सनल चीज बताई तो उस पर कटाक्ष करना शुरू कर दे, तो आप कह सकते हैं उसके अंदर नेगेटिविटी लेवल बढ़ रहा है, यानी कि उसके अंदर गुस्सा डिप्रेशन जैसी समस्याएं पनप सकती है। तो आप डिसीजन कैसे लेते हैं ट्रीटमेंट का? अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग समस्याएं, कुछ समस्याएं तो ऐसी होती होंगी शायद आप डिस्कस नहीं कर सकते, डिसीजन कैसे लेते हैं ट्रीटमेंट का? ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस ज्यादा होते हैं, थेरेपीज ज्यादा होती हैं, काउंसलिंग ज्यादा होती है, किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है? देखिए, इसमें जो डिसीजन है सबसे पहले तो वो देखना पड़ता है कि पेशेंट क्या है और कितने सालों से इन चीजों से गुजर रहा है या कितना टाइम हो गया। देखिए, कुछ हमारे पास समस्याएं हैं जो मानसिक समस्याएं हैं, उनमें तो देखिए दवाइयों का रोल बहुत अहम है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम दवाइयां नहीं खाना चाहते, तो देखिए किसी भी डॉक्टर या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की राय ये नहीं रहती कि वो दवाइयां खाए ही खाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कोशिश ये करता है कि कम से कम दवाइयों में इसका काम हो जाए। तो मेरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तो वो पहला प्राइमरली फोकस ये रहता है कि मैं उसकी सारी समस्याएं सुनूं, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये डिप्रेशन एंजाइटी इन सारी चीजों से है और मैं काउंसलिंग के थ्रू या फिर कुछ एक्टिविटीज के थ्रू इसको सही कर सकता हूँ, तो मैं उसे टाइम देता हूँ और कुछ सेशंस के बाद उसे मैं कोशिश करता हूँ कि सही हो जाए। लेकिन उसके कुछ ऐसे अगर सिम्टम्स हैं जहाँ पर मुझे दवाइयाँ देना जरूरी है, आवश्यक है, तो वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध दो दवाइयाँ पहले हर्बल दवाइयों से शुरुआत की जाए और उसके बाद फिर आगे उसको एक्सटेंड फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसे भेजा जाए। लोग डरते भी हैं ऐसी दवाइयाँ खाने से कि इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी आदत लग सकती है। बिल्कुल सही, यही ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग बाग या फिर इंडिया के अंदर जो साइकेट्री है, मैं कह सकता हूँ जो मेंटल फील्ड है, वो इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ ही इसी वजह से है कि लोग डरते हैं कि हमें पागलों के डॉक्टर के पास जाना है। राइट। और लोगों के अंदर एक मानसिकता है कि पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या हम पागल हैं। राइट। वो नॉर्मल खांसी बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई डिप्रेशन है, जैसे मान लीजिए नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसके लिए वो नॉर्मल खांसी बुखार या फिजिशियन के पास जाना पसंद करेंगे, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इसमें मल्टीमीडिया का भी कहूँगा एक दोष है कि इसमें हम लोगों का जो मूवीज हैं उसमें सिर्फ पागलपन को दिखाया है कि उसमें शौक लगते हुए पत्थर फेंकते हुए तेरे नाम तीन बार देखी थी मैंने तो इस तरीके से सागर चीज़ों को दिखाते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं। और दवाइयाँ देखिए, जितनी भी साइकेट्रिक मेडिसन्स हैं वो माना एक बहुत ज़्यादा एक फेमस चीज़ें फैल रही हैं, फेमस नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि भाई अगर दवाइयाँ लेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। बेहोशी की दवाइयाँ होती हैं, लोग बागों का ऐसा कहना होता है कई बार, लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। उन दवाइयों की आदत जब लगती है जब बहुत आप लंबे समय तक लेते हैं, और हर एक दवाई की आदत नहीं लगती, ऐसा नहीं होता कि हर एक दवाई की आदत लग गई है ना, तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है कि मतलब दवाइयों की आदत लग जाएगी। और इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई कई बार बहुत सारी मतलब इतनी सारी समस्याएं कि हम लोग शुरुआत में ही एक सेशन से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लोग बाग उसको इतना ज़्यादा क्रिटिकल बना लेते हैं, इतना क्रिटिकल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास नहीं जाना चाहते, किसी क्योंकि कहीं उन्हें कोई मानसिक विकार तो नहीं है लोग बाग, वरना ये बोलने लगेंगे कि ये तो पागल हो गया है, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है, इसकी दवाई चल रही है पागलपन की। सोशल स्टिग्मा ऐसा है ना कि इसकी ऐसा है कि भैया इसकी पागलपन की दवाई चल रही है, जबकि हो सकता है शायद जिस तरीके से आप एंटीबायोटिक खा के 3-5 दिन में सही हो जाते हैं, हो सकता है आप महीने हफ्ते भर में अपनी मानसिक समस्या से सही हो जाए। तो एक बहुत मेजर कारण है कि लोग बाग इस तरफ आना नहीं चाहते, कि उनके साथ एक बहुत बड़ा एक मिथ जुड़ा हुआ है कि इनके पास जाएंगे और वो पागलपन वाली दवाइयों में
लिप्त हो जाएंगे और आगे नहीं निकल पाएंगे। मेंटल हेल्थ को लेके कई जगह ये टेंडेंसी भी है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर हो गया है, इसको भूत चढ़ गया है, लेकिन डॉक्टर के पास उसके बाद भी उसको नहीं ले जाया जाता। तो आपको लगता है ये चीज कैसे सुधर सकती है, इसके लिए अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी चाहिए? देखिए ये बड़ा मतलब जो प्रश्न है, मैं मतलब भूत प्रेत और रिलीजियस चीजों पर नहीं जाना चाहता इस चीज में, क्योंकि सबकी अपने धर्म के प्रति आस्था है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पेशेंट जो आता है वो लगभग 50-60% जो क्रॉनिक मानसिक रोगी है वो ये सब करवा के आता है हमारे पास। जब हर जगह से हार जाता है तब उसके बाबा या पीर ये सब चीज सही नहीं कर पाते, तब वो सोचते हैं चलो एक बार भाई। मैं एक अभी अभी आपके साथ बात करते हुए मुझे याद आ गया, एक बहुत पहले गाना सुना था, नींद नहीं आती है रातों में, ये तो प्रेम छे। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है और कुछ स्टडीज ने भी बताया है कि अपनी कंट्री में या शायद पूरे विश्व में भी जो नींद का समय है बहुत लेट होता चला जा रहा है धीरे धीरे। एक जमाने में हम सुनते थे अपने दादा बाबा कि हम 9 बजे सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाते हैं, इससे हम एनर्जेटिक रहते हैं, हम बहुत सारी चीजें, थॉट प्रोसेस हमारा तेज चलता है। लेकिन अब वो 1-2 बजे तो मुझे लगता है बहुत नॉर्मल है। क्या ये नींद, देर से नींद भी डिप्रेशन का कोई कारण हो सकती है या कोई मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है? बहुत सारे केसेस में है ये सागर, बहुत सारे केसेस में है नींद डिस्टर्ब होना, क्योंकि अगर आपका सर्कैडियन रिदम अगर सही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे। आपने खुद महसूस किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि अगर ज्यादातर आप 12 बजे सो जाते हैं लेकिन आप अपने मोबाइल के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में आप 1:30 या 2 बजे आप सोने चले गए, आपका अगला दिन पूरा बेकार जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको उबासी आ रही है, पूरा फ्रेश सा नहीं उठेंगे। तो नींद आना एक बहुत बहुत ज्यादा एक मेजर कारण है, और ऊपर से कारण के साथ साथ नींद डिस्टर्ब रहना कि हम लोग अपने लिए ही टाइम नहीं है। बेसिकली हम लोग आते हैं तो सबसे पहले मोबाइल में लग जाते हैं, मोबाइल के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों में लग जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप सोने से पहले मोबाइल जरूर इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल जब आप इस्तेमाल करते हैं सोने से पहले तो आपने वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए। आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो तो गए लेकिन आप वर्ल्ड से उनकी प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट हो गए, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक पर सबके कुछ ना कुछ मैसेजेस रहे होंगे। उसमें से जरूरी नहीं है हमेशा कोई सुखद समाचार मिले आपको, हमेशा नेगेटिव चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो वो नेगेटिव चीजें आप रात में सोते समय अपने साथ ले जा रहे हैं, और उसके बाद रात भर आपके माइंड के पास बिल्कुल फालतू टाइम है सबकॉन्शियस को चलाते रहने का। तो एक बहुत मेजर कारण है कि नींद का डिस्टर्ब रहना और इन सारी चीजों को। सबसे ज्यादा हमें इसमें जरूरी है कि हम सबसे पहले रात का जो टाइम है वो एक्सरसाइज, मेडिटेशन और खाना खाने के बाद टहलने में व्यतीत करें, और अपने पेरेंट्स से या फिर अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ बात करने में, वो भी फिजिकली, वो व्यतीत करें। ज्यादातर हम जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसको हम थामें, तो इससे बहुत सारा एक बदलाव आने की उम्मीद है। सोशल मीडिया, हम ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कई बार, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसी चीजें देखते हैं जिसका शायद कोई अर्थ ही नहीं है इस दुनिया के लिए। कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी, 6-6 करोड़, 8-8 करोड़ लोग देख रहे हैं। हमारी तो बात पता नहीं 1000-2000 तक भी पहुंचेगी या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो अवेयरनेस फैलानी है। तो सोशल मीडिया डिप्रेशन का कोई कारण है क्या? मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो सोशल मीडिया पे ये जब देखते हैं कि यार दोस्त इतना सफल हो गया और मैं यहाँ रह गया, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। वो वहां घूमने गया है, वादियों में गया है, स्विट्जरलैंड गया है, मैं कहाँ बैठा हूं, परेशान हो जाते हैं। ये एक कारण है क्या डिप्रेशन का? देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है भैया सोशल मीडिया है क्या। सागर बाबू, सोशल मीडिया से हम वर्ल्ड से कनेक्टेड है ना, पूरा वर्ल्ड हमसे कनेक्टेड है सोशल मीडिया, वसुदेव कुटुंबकम। हम बिल्कुल सही है ना, और वर्ल्ड से कनेक्ट होने के चक्कर में हम आपसी अपने लोगों से कनेक्शन छोड़ दिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारे लाखों करोड़ों हजारों फॉलोअर्स होते हैं, रियल लाइफ में 10 लोगों से बात नहीं। रियल लाइफ में आपकी मुसीबतों के टाइम पे 5 लोग आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज सागर, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने बताया ना अभी जैसे कि जिस तरीके से हम देखते हैं तो हम दूसरे की समस्याओं को भी देखते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर, और हम लोग स्क्रॉल करते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि वो हम अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं
क्योंकि वहां पर जो पोस्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर कोई दोस्त आपका बाहर घूमने चला गया या सक्सेसफुल होने चला गया है ना, तो कई लोग तो उससे इंस्पायर होंगे लेकिन कई लोग आपसे जलेंगे भी। और जलने का कारण ये रहता है कि वो डायरेक्ट वो फोटो या पोस्ट को देखते हैं, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते। जैसे किसी ने गाड़ी ले ली, क्रेटा या फिर कोई भी एक गाड़ी ले ली, तो कुछ लोग तो बड़ा खुश होंगे कि यार ये है वो, मेहनत करके हो गया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे यार ये कैसे ले ली, कुछ लोग तो बोलेंगे दो नंबर की कमाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि ये दो नंबर की कमाई है, या फिर कुछ गलत धंधा करते हैं। ये लोग वो हैं जो उसको खरीद नहीं पाए, या फिर उन लोगों को भरोसा नहीं था उस पर कि ये कभी खरीद भी सकता है। तो ऐसी चीजों को जब सामने आती हैं सागर, तब लोग कहीं ना कहीं जो नेगेटिव लोग हैं वो बड़ा खुद में बड़ा परेशान हो जाते हैं, जो पॉजिटिव है उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो नेगेटिव लोगों के साथ है। अब ये बताइए, अपनी कंट्री जैसे कि हम बहुत देर से चर्चा भी कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ को एक्नॉलेज नहीं करती। किसी को लूज मोशंस हो जाए वो छुट्टी ले सकता है अपने वर्क प्लेस से, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी ने बोला सर बड़े डिप्रेशन है, आज बहुत परेशान हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, और उसकी छुट्टी परमिट हो जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की वो पॉलिसीज नहीं है जिसने मेंटल हेल्थ को एक्नॉलेज किया हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या इस पॉलिसी की आवश्यकता है और इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है, और है तो कैसे? देखिए, अगर इसको एक्नॉलेज किया गया होता तो हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना पीछे नहीं होते। सबसे पहले तो मेन इम्पोर्टेंट है, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपने देश के विकास की बात करते हैं तो हम देश में, मैं हमेशा हर एक नेता हर एक पार्टी के भाषण देखता हूँ मैं, उन सब भाषणों में अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं कि ये योजना, ये स्टार्ट कर दिया, इतना पैसा बांट दिया, इतनी नौकरियाँ बांट दी। बहुत ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ें हैं ये किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए ये आज तक एजेंडा रहा ही नहीं कि वो मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे। और ये कारण है कि इसकी वजह से इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स इतना पीछे होता चला जा रहा है। और आप जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग इतने ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं कि सब जगह जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारी गड़बड़ा रही हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, और अगली महामारी जो है वो मेंटल हेल्थ को लेकर ही बताई गई है, वो इसी वजह से कि हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। और मेंटल हेल्थ को लेकर देखिए, मैं आपको सच बताऊं, कोई एग्रेसिव रूप से किसी भी सरकार ने आज तक कोई भी प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं किए, कोई प्लानिंग नहीं है, और कुछ भी इस तरीके का स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से हम वाकई में मेंटल हेल्थ पर काम कर सकें। जिस तरीके से अभी मैंने अपने स्तर से ही एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें हम लोग लोगों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं छोटे छोटे लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके गवर्नमेंट को इख्तियार करने चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, जितने भी हमारे यहाँ ऑफिशियल्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हों या गवर्नमेंट सेक्टर हों, किसी भी ओहदे पर हों, किसी भी ओहदे पे, चाहे वो छोटे बड़े या फिर किसी भी ओहदे पर हों, उनका साल में एक से लेके दो बार मेंटल हेल्थ चेकअप जरूर होना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति सहज है उस काम करने के लिए या नहीं। बहुत सारे लोग दबे जा रहे हैं प्रेशर के चक्कर में, उन्हें फिजिकली रूप से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है कि बंदा बहुत बढ़िया है, अच्छा कमा रहा है, खा रहा है ना, लेकिन क्या वो मानसिक रूप से सही है? यही कारण है सागर जी, आज हमारे देश में डॉक्टर से लेके आईएएस पीसीएस और छोटे से छोटे कर्मचारी भी सब सुसाइड करते हैं। हर एक में आपको ऐसा कोई ऐसा वर्ग नहीं मिलेगा जहां पे सुसाइड नहीं होता। आईएएस एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, लोगों का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था सागर, लेकिन क्या आईएएस में सुसाइडल टेंडेंसी नहीं है? बहुत सारे केसेस अभी बताना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे जहन में है जहां सिविल सर्वेंट्स ने सुसाइड किया। तो यहां पर जितने भी हमारे मापदंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, आपका फिजिकल जो चीजें हैं वो इतनी होनी चाहिए, मेंटल चीजें कितनी होनी चाहिए, आपको मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज में हम पूछते हैं। हालांकि ये इंटरव्यू हम जरूर लेते हैं जो उसकी मेंटल एबिलिटी को देखते हुए, जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी जैसे जॉब्स हैं वहां पर इंटरव्यूज हैं, तो इंटरव्यूज में एक डॉक्टर जरूर बैठता है जो उसकी मानसिक एबिलिटी चेक करे, लेकिन क्या एक बार चेक करने से उसकी मानसिक एबिलिटी हमेशा जिंदगी भर के लिए सही रहेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना भी अगर कोई सरकार मेरी इस बात को सुन रही है तो इस चीज को जरूर ध्यान दें,
कि कम से कम एक से लेके दो बार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, उसका मेंटल हेल्थ चेकअप जरूर हो डॉक्टर के द्वारा। अगर वो सहज है उस काम करने के लिए और उसके अंदर क्षमता है उस काम करने के लिए, तो ही उसे आगे कार्यभार दिया जाए, वरना उसे निलंबित नहीं कहूंगा मैं, उसे उसके मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए कहा जाए कि भैया पहले आप संभाल लो चीजों को और उसके बाद फिर उसे रिजॉइन किया। युवाओं में सोच है कि सब में नहीं कहूंगा पर बहुतों में है कि डिप्रेशन हो रहा है, सिरदर्द हो रहा है, सिगरेट पी लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ, कई जगह सब्सटेंस अब्यूज के भी केसेस आए, ड्रग्स लेने के केसेस आए, ये चीज इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई डिप्रेशन वगैरह कम होता है? पता नहीं, मैंने कभी लेके नहीं देखा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं यार टेंशन हो रही है चल सिगरेट पीते। देखिए सागर, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैथ में हम लोग हमेशा एक चीज इस्तेमाल करते थे, या फिर साइंस में शॉर्ट ट्रिक, कि शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो मैं इसको आसानी से याद कर लूं और सीख लूं। तो ये जो चीजें हैं सब्सटेंस, ये शॉर्ट ट्रिक, लोगों को लगता है ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, आपकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स ऐसे रिलीज हुए जो आपको एक अपरेंट फीलिंग देंगे कि आप ठीक हैं, लेकिन वो अपरेंट है, वो नकली है, वो असलियत नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक है। तो लोग बाग इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक को अपनाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमारे देश में सिगरेट का कंजप्शन और अल्कोहल का कंजप्शन, आप देखिएगा, आप 2000 से लेके अगर 2023 का आंकड़ा देखेंगे ना, तो अल्कोहल का कंजप्शन कम से कम 10 गुना बढ़ गया, बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के बाद भी सबसे पहले कोई दुकानें खुली थी तो शराब के ठेके ही खुले थे। बिल्कुल, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, लोगों को ये लगता है ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम, क्योंकि एक वैसे ही यहाँ पे एक मिथ और एक टैबू है कि भैया हम मानसिक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्या कोई छोटी समस्या के लिए कोई मानसिक डॉक्टरों के पास जाता है? नहीं, हम सिगरेट फूंक लेते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो सब सही हो जाएगा, लेकिन वो जो अपरेंट या शॉर्टकट है वो उसकी आदत हम लोगों को बार बार लगने लगती है। इस वजह से क्या होता है आजकल का जो युवा है, मैंने देखा है कि मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं कि 15-16 साल के बच्चे बियर पी रहे हैं और इतनी पी रहे हैं कि एक बड़ा व्यक्ति नहीं पी पाएगा। उसके पीछे भी सागर एक कारण है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 16-17 साल पर शुरू करता है शराब पीना या सिगरेट पीना, तो उसकी कैपेसिटी बहुत होती है। जैसे हम लोग ही जब 16-17 साल पे थे तो थकते नहीं थे और दिन भर कभी ट्यूशन जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इस तरीके से उसके अंदर अल्कोहल लेने की भी या सिगरेट पीने की बड़ी कैपेसिटी होती है। तो उसके अंदर सागर अडेप्टेशन बड़ी जल्दी आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी एक क्वान्टिटी मान लीजिए शराब की, जो किसी भी ने युवा ने ली, 16-17 साल के लड़के ने ली, तो अगर मैं उसको कंपेयर करूं किसी भी 30 साल के या 40 साल के वर्ग के किसी पुरुष से या फिर महिला से, तो अगर 40 साल वाला उस क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी जब लेना शुरू होगा तो उसका जो समय होगा वो लगभग 6 महीने या 8 महीने होगा। जैसे एक सिगरेट उसने स्टार्ट की तो 2 सिगरेट 6 महीने या 7 महीने बाद लेना स्टार्ट कर देगा, लेकिन वही ये 16-17 साल के जो बच्चे हैं, ये एक सिगरेट से अगर इन्होंने शुरुआत की है तो मुश्किल से 20 या 25 दिन बाद ये दूसरी सिगरेट पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो उन्हें उसमें फिर मजा नहीं आएगा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा, आपके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नोन में होंगे कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर जाते हैं अल्कोहल की, और जब ये बच्चे 30 साल तक पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी क्या ही रहती होगी। रिलीजियस और स्पिरिचुअल बुक्स रखी हुई थी, तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा जागी कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आध्यात्मिक चेतना से डिप्रेशन का इलाज संभव है, या आध्यात्मिक चेतना क्या रोल प्ले करती है इन चीजों से लड़ने में? सागर, इसमें जो मैं जवाब दूंगा शायद कुछ लोग असहमत हों, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं सारी चीजें थोड़ा सा रिसर्च करके और अपने हिसाब से बोलता हूँ, मैं कहूँ कि आपके जो जीवन में से टीचर्स हटा दिए जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ और सिर्फ अनुभवों से सीख पाते। हाँ, ठीक बात, टीचर सबसे मेन एक इम्पोर्टेंट रोल है, टीचर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे हम लोग लिखना सीखते हैं, टीचर सिखाता है, कुछ करना सीखते हैं, टीचर सिखाता है। पहले एक सब्जेक्ट चलता था, अब मुझे पता नहीं, नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस है ना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता था क्योंकि स्कोरिंग होता था और अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती थी। तो ये सारी चीजें सिखाने वाला कौन? टीचर। हमारी जो प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला कौन? टीचर। जहां पे हम प्रॉब्लम्स में अटक जाते थे किसी भी क्वेश्चन पर, तो हमें टीचर समझाता था। तो
ऐसे ही मैं लाइफ की चीजों को देखता हूँ। तो अगर हम ये सोचें कि हम अध्यात्म में नहीं जाएंगे, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं, धर्म वगैरह ये सब बरगलाने वाली बातें हैं, कई लोग ये सोचते हैं ना यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है सागर कि जीवन में हमेशा आपको एक सपोर्ट की आवश्यकता रहती ही रहती है। चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हों, चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअली मोटिवेटेड हो गए, लेकिन आपको हमेशा एक सपोर्ट की आवश्यकता रहती ही रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सपोर्ट आप स्पिरिचुअली ढूंढ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पीछे एक बैक एंड पर सपोर्ट है जो कि चीज़ों को देख रहा है, या फिर एक हाथ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक हमारे पेरेंट्स रहते हैं तो एक सपोर्ट रहता है, नहीं हमारे साथ पेरेंट्स हैं, हमारा पार्टनर है तो हमें एक लगता है कि नहीं भाई हमारा सपोर्ट है। जब मैं ये कहूँ कि ये सारे सपोर्ट हटा दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो इसी तरीके से जब हम अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं तो कई कई बार हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पे हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, तो या फिर तो एक सपोर्ट ढूंढिए, या फिर कई लोग इसको क्या करते हैं स्पिरिचुअली कनेक्ट कर देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब मेरे पास एक सपोर्ट है, तो उससे उनको एक मोटिवेशन मिलता है और जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं। तो मैं हाँ ये कहूँगा कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी या फिर थोड़ा सा रिलीजियस वे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्णतः ही सही हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे खुद के पर्सनल व्यू है, एक हेल्पिंग हैंड तो हो सकता है। अब अगर मैं शॉर्ट में जानना चाहूं, जी मान लीजिए वीडियो देख रहा है कोई व्यक्ति और वो डिप्रेशन से ग्रसित है, उसको समझ में आ गया यार मैं डिप्रेस बहुत परेशान, सबसे पहले क्या करें? मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिले। सबसे पहले मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिले, क्योंकि डिप्रेशन में आदमी जब आता है तो कहीं ना कहीं अपने सारे उसने हथियार डाल दिए होते हैं, है ना, और उससे खुद कुछ नहीं हो पा रहा होता है। तो सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिले, और अगर नहीं मिलना चाहता तो एक्सरसाइज, म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन, योगा, और लोगों से बात करना, और सही लोगों से बात करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारे टाइप में दो टाइप के लोग हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लोगों से बात करना बेहद जरूरी है अगर कोई डिप्रेस्ड है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसे जो परेशानियां लगती हैं डॉक्टर को भले ही ना बोले, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से बोल दे जो उसे लगता है कि ये व्यक्ति उसके लिए सही है, अपनी सारी प्रॉब्लम बोल दे, 99% वो सही हो जाएगा, मतलब संवादहीनता खत्म करे। बिल्कुल। एक बचपन में देखता था, तो बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, आपने भी देखी होगी, भूत किया वो एक ले करके ऐसे हिप्नोटाइज करते थे जी, कोई आदमी लगता था इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, देखिए हिप्नोसिस अगर मैं एज अ ट्रीटमेंट की बात करूं तो हिप्नोसिस हाँ हमारी किताबों में है। हिप्नोसिस को मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गलत या फॉल्स चीजें हैं, नहीं, हिप्नोसिस कई सारे मायनों में हेल्पफुल है, लेकिन आजकल ये जो विधि है हिप्नोसिस की मेंटल हेल्थ में बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इसके लिए एक्सपर्ट होना बेहद आवश्यक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रारूप आपने देखा है मूवीज में वो गलत है।